नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो नज़दीकी प्राथमिक विद्यालय में 15 दिनों के अंदर लिंक कर दिए जाएंगे, यानी जोड़ दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग करने के लिए एक शिक्षक को भी नियुक्त किया जाएगा। तो खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन से ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो नज़दीक के प्राथमिक स्कूल में टैग किए जाएंगे और कौन से ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो नज़दीक के आंगनबाड़ी केंद्र में शिफ्ट किए जाएंगे। तो शिफ्ट और टैग के बारे में अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो से आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर होने वाली है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देख लीजिएगा। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने आंगनबाड़ी के अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो जैसे कि ये जो खबर आप लोग देख रहे हैं ये बिहार के भागलपुर ज़िले में खबर दिखाया गया है, लेकिन पूरे बिहार में ये सामान्य रूप से ये नियम लागू होंगे। तो जानेंगे कि किस प्रकार से जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो शिफ्ट किए जाएंगे और टैग किए जाएंगे और साथ ही साथ जो आंगनबाड़ी केंद्र में शिक्षक हैं वो कैसे मॉनिटरिंग करेंगे। जैसे कि आप लोग बड़ा सा शीर्षक देख रहे हैं कि अब किराए के भवनों और घरों में नहीं चलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। मधेपुरा में है 2254 आंगनबाड़ी केंद्र। जैसे कि जो आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवनों और घरों में चलते थे वैसे आंगनबाड़ी केंद्रों को नज़दीक के प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो जी हाँ, जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको नज़दीक के प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट कर दिए जाएंगे कि अब सरकारी स्कूलों में केंद्र चलेगा, नज़दीक के स्कूलों में टैग होगा आंगनबाड़ी केंद्र। 2254 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है मधेपुरा ज़िला में। शिक्षक करेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग। तो देख सकते हैं कि जो शिक्षक हैं वो आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग करेंगे। ये जो खबर आप लोग देख रहे हैं वो 10 नवंबर 2021 का न्यूज़ आप लोग देख रहे हैं, जो कि दैनिक जागरण के न्यूज़ ऐप पर दिखाया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र अब प्राइमरी स्कूलों के खाली कमरों में चलेगा। ICDS ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। DPO मोहम्मद कबीर ने प्रखंड बाल विकास परियोजना अधिकारियों से किराए के भवनों और घरों में चलने वाले केंद्रों के ब्यौरे के साथ संबंधित क्षेत्र के प्राइमरी स्कूलों में खाली कमरों की सूची भी भिजवाने का निर्देश दिया है। और देखिए, यही नहीं, प्राइमरी स्कूलों के बरामदे और परिसर में चलने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों का ब्यौरा भी देने को कहा गया है। जैसे कि जो आंगनबाड़ी केंद्र प्राइमरी स्कूलों के बरामदे और जो बाहर चलते हैं उनके परिसर में, वैसे आंगनबाड़ी केंद्रों का भी डिटेल्स मांगा गया है। ICDS के अधिकारियों को ऐसे केंद्रों को चिन्हित करने के साथ प्राइमरी स्कूलों के खाली कमरों में इन्हें शिफ्ट करने के लिए SSA से भी समन्वय स्थापित करने को निर्देश दिए हैं। देखिए, आप लोग अब समझिएगा कि कितने दिनों के अंदर जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको प्राइमरी विद्यालय के साथ जोड़ दिया जाएगा और कैसे आंगनबाड़ी केंद्र को टैग और शिफ्ट किया जाएगा। नज़दीक के स्कूलों से टैग होगा आंगनबाड़ी केंद्र। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बच्चों के शैक्षणिक विकास की नींव सुदृढ़ करने के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की तैयारी के लिए प्रदत्त निर्देशों के आलोक में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को अपने निकटतम प्राथमिक विद्यालय से संबंध किया जाना है। यानी कि संबंध का मतलब हुआ कि जोड़ा जाना है। ICDS निदेशक ने जिले के DPO को पत्र लिखकर आंगनबाड़ी केंद्रों को नज़दीकी प्राथमिक विद्यालय से टैग करने का निर्देश दिया है। देखिए, यदि प्राथमिक विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्र एक ही वार्ड में स्थित है और प्राथमिक विद्यालय का अपना भवन है तो आंगनबाड़ी केंद्र को उस विद्यालय से टैग किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया
कि जो किराए के भवन में आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जैसे कि वो वार्ड में स्थित है और जो प्राथमिक विद्यालय है उसके पास भवन है, तो उस आंगनबाड़ी केंद्र को टैग कर दिया जाएगा, यानी उसको उस विद्यालय के साथ जोड़ दिया जाएगा। और समझिए, अगर किसी वार्ड में प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस आंगनबाड़ी केंद्र को नज़दीक के प्राथमिक विद्यालय से टैग किया जाएगा। और देखिए, वैसे सभी आंगनबाड़ी केंद्र जो किराए के भवन में संचालित हैं उन्हें प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में संचालित किए जाने का निर्देश दिया जाएगा। और देखिए, शिक्षक करेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग। आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्कूल के शिक्षक तैनात होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। जैसे कि इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इसे लेकर निर्देश जारी किया है। इस संबंध में बिहार शिक्षा परियोजना के DPO को निर्देश दिया गया है। इसके तहत अलग अलग स्तर पर काम होना है। प्रखंड शिक्षा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी के सहयोग से वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जो स्कूल परिसर के बाहर संचालित हैं उन केंद्रों को नज़दीक के स्कूल के साथ 15 दिन के अंदर लिंक कर कार्रवाई संबंधित रिपोर्ट विभाग को भेजेंगे। देखिए, वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जो स्कूल परिसर से बाहर है, मतलब बाहर संचालित है, तो इन आंगनबाड़ी केंद्रों को नज़दीक के स्कूल के में 15 दिन के अंदर इसको लिंक कर दिया जाएगा और इसकी जो रिपोर्ट है वो विभाग को भेज दिया जाएगा। ये जो महीना है वो नवंबर ख़त्म होते होते जो ये काम है वो पूरा कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ देखिए, यहाँ पे दूसरे स्तर पर कार्रवाई में प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए संबद्ध विद्यालय के एक शिक्षक को आंगनबाड़ी केंद्र पर नियुक्त करना है। जैसे कि जो आंगनबाड़ी केंद्र को लिंक किया जाएगा उस आंगनबाड़ी केंद्र पर एक शिक्षक को नियुक्त किया जाएगा। जैसे कि नामित शिक्षक स्कूल खुलने के बाद प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 2 दिन इन आंगनबाड़ी केंद्र पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चों को नियमित रूप से प्रदान करेंगे। सभी CDPO को पत्र भेजा गया है। रिपोर्ट आते ही टैग करने का काम शुरू हो जाएगा। मोहम्मद कबीर, DPO ICDS मधेपुरा। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से टैगिंग और शिफ्ट करने का जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो चुका होगा। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने आंगनबाड़ी के जितने भी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।